हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे घेवर। घेवर घेवर बनाएंगे हम आज। हाँ, आप देखिए, आप देखिए और हम आपको खाकर भी बताएंगे कैसे बने हैं। वो स्वादिष्ट होती है, ये देखिए बाबरे, इसमें हम खेल रहे थे, ये देखिए ये रुमाले में भी खेल रहे हैं, इसे खेल रहे हैं। और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हमने झाड़ू पोछा सब काम कर लिए हैं और नहाने धोने का भी सब काम कर लिया है, तो अभी हम घेवर बनाएंगे। दोस्तों ये मैंने लिया है लगभग 200 ग्राम मैदा, घी और ठंडा पानी एकदम, और ठंडा ही दूध और आइसक्रीम। दोस्तों घेवर बनाने के लिए मैंने लिया है आइस क्यूब और घी, तो इस घी को हम डाल लेते हैं इसके अंदर। और घी के अंदर हम ये एकदम ठंडा पानी डालना है या फिर आप ये आइस क्यूब डाल सकते हैं, तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। एक बर्तन के अंदर मैंने घी ले लिया है और इसको आधा भर लिया है घी से। फिर हम इसको गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। तो ये घी एकदम मक्खन के जैसा हो गए हैं। अभी हम इसके अंदर दूध डालेंगे। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये मैदा डालेंगे। अभी इसमें हम थोड़ा दूध और डालेंगे और थोड़ा मैदा भी और डालेंगे। इसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए।
थोड़ा अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और फिर से इसको चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा बटर बनकर तैयार हो गया है। इसमें थोड़ा हम मैदा और डालेंगे। और थोड़ा पानी और डाल देंगे। और ये अभी देखिए हमारा घोल कितना अच्छा तैयार हो गया बनकर। तो बस फिर ऐसा ही घोल बनाना है पतला पतला। दोस्तों ये है नींबू, तो ये नींबू इसके अंदर डालेंगे इसका रस। वीडियो चालू करना भूल गई थी और घेर बनाना स्टार्ट कर दिया। अगली बार शुरू से बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, पहले ही एक बना लेती हूँ। तो ये हमारा घेवर जो है पक गया है, ये देखिए अच्छे से। तो अभी हम इसको बाहर निकाल, ये हमारा घेवर बन गया। अभी इसका जो घी है वो नीचे झरने देते हैं।
ये कितना अच्छा बना है, एकदम करारा करारा तैयार है हमारा घेवर। तो उस घेवर को मैंने शुरू से नहीं दिखाया था, वीडियो शुरू करना मैं भूल गई थी, तो अभी आप देखना शुरू से घी को वापस गर्म होने देंगे, क्योंकि पहले हम एकदम गर्म घी में बनाते हैं और फिर गैस लो कर देते हैं तो वापस ये ठंडा हो जाता है। घी गर्म हो चुका है तो अभी हम बटर डालेंगे ऊपर से, यहाँ से इस तरीके से एकदम तेज धार बनाकर। जब ये जो झाग है ये बनने बंद हो जाएंगे फिर इसमें और डालेंगे। इस तरीके से डालना है, एकदम बीच में डालना है। दोस्तों ये एक कटोरी चीनी डालेंगे इसके अंदर और चार से बनाने के लिए चढ़ाएंगे इस गैस पर। एक कटोरी चीनी के अंदर हम एक कटोरी पानी लेंगे और चढ़ा देंगे। दोस्तों घेवर तैयार है बनकर, तो इसको निकाल लेते हैं। ये इसका घी जो है थोड़ा निकलने देते हैं। दोस्तों ये चाशनी तैयार है, इसको रसगुल्लों जैसी चाशनी करनी है, ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। इन गर्मा गर्म के अंदर ये चाशनी डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से मीठे हो जाएंगे। ये इतने सारे घेवर बना लिए मैंने, कितने अच्छे बने हैं आप ही देख सकते हैं। और हम अब खा रहे हैं। हम खा रहे हैं, रुक जाओ एक मिनट। नहीं रुकेंगे। अरे रुक जाओ, हम थोड़े के लिए आओ देखिए। अरे रुक जाओ। इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी डाल देंगे। और ये जो हमने रबड़ी बनाई है वो डालेंगे।
और बड़ों को सिखाएंगे। और स्वादिष्ट लाल सी उनमें दो सबक होंगे। तो दोस्तों बच्चे कब से इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए। ये कल्पना जो है ये सही करती रहती है। ये घेवर अभी इनको दे रही हूँ खाने के लिए, तो देखते हैं इनको कैसा लगता है। और ये इनका छोटा भाई है, इनके बाबूजी का बेटा है जो यहीं पर रहते हैं। कैसा है? मिठा। कैसा है बच्चों? बहुत अच्छा। दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैं